बहुला, हमारे स्वामी हमें ऐसे स्थान पर चराने लाते हैं जहाँ हरी हरी कोमल मीठी घास होती है। हाँ गंगा, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे बछड़ों से भी। वो हर सुबह प्रभु की प्रार्थना करके निकलते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। परंतु आज की घास तो कुछ अधिक ही रसीली और मीठी है। वृंदावन में सब और सुख सा छा जाता है जब कृष्णा अपनी बांसुरी बजाते हैं। आज शिकार का ये खेल पूरा देखे बिना ही जाना पड़ेगा। मूर्ख बाघ, एक कमजोर सी गाय नहीं पकड़ी जा रही इससे। अपनी जान बचा के भागो गंगा, जितनी तेज भाग सकती हो भागो। अब आ गई है गाय इसकी पकड़ में। महामूर्ख, उठो गंगा, उठो। मैंने सहायता नहीं की तो ये मूर्ख बाघ भूखा मर जाएगा। चाहता तो था कि ये शिकार का खेल पूरा देखूं, किंतु महाराज कंस ने बुलावा भेजा है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे हल्का हो गया है कृष्णा कि मैं पंछी बनकर उड़ना चाहता हूँ। पंछी बनने के लिए तुम्हें पंख चाहिए होंगे मधु। मुझे गुदगुदी हो रही है। बस यही बाकी था। तुम तो बिल्कुल एक गोलू मोलू सा मोर लग रहे हो मधु। तो फड़फड़ाओ अपने पंख और उड़ जाओ नीले आकाश में, उड़ जाओ। मैं तुम्हारी बातों में आकर मूर्ख नहीं बनने वाला। ये स्वादिष्ट बर्फी खाकर भी नहीं। हाँ? कहाँ है वो और कहाँ है प्रलंबा? अब तक वापस क्यों नहीं आया वो? क्षमा कीजिए महाराज कंस, अब तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है, मुझे समाचार चाहिए। समाचार चाहिए मुझे अपने काल की मृत्यु का। कोई तो होगा जो मेरे काल का भी काल बन जाए इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। वत्ससुर, महाराज आपने मुझे बुलाया। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काल को मृत्यु के घाट उतार कर मुझे निश्चिंत कर दो। निश्चिंत हो जाइए महाराज, मैं उस बालक को अपना निवाला बनाकर कच्चा चबा जाऊंगा। प्रभु ने संकट में मेरी रक्षा की। इस संकट में यदि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा तो वो हूँ मैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या, तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे पीछे इतना भागने के बाद? माफ करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। बस मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो, मुझे अभी जाने दो ताकि मैं अपनी बच्ची तारा से एक बार मिल सकूं और उसे अंतिम बार अपना दूध पिला सकूं। मृत्यु सर पर देखकर तुम्हारी बुद्धि बहक गई है। क्या मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा कि यहाँ से निकलकर तुम वापस आओगी? मुझे जाने दो, ये वृंदावन है और कृष्ण मेरे स्वामी। मैं कभी झूठा वचन नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं कल स्वयं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा भोजन बनूंगी। किंतु मैं कल तक प्रतीक्षा क्यों करूं, जबकि मैं तुम्हें आज ही खा सकता हूं।
से शुरू किया जाए। मेरी बात सुनो, मान जाओ मैंने कल ही अपनी बच्ची को जन्म दिया है। मेरा पौष्टिक दूध उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे अंतिम बार अपना ये दूध उसे पिला लेने दो, फिर मैं उसके बाद तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हो? मैं प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करूंगी। तो फिर जाओ और पिलाओ अपना पौष्टिक दूध अपनी बच्ची को, और अपने वचन के मुताबिक कल सुबह तक यहाँ वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को भी खा जाऊंगा। धन्यवाद। रहने दो, तुमसे नहीं होगा सुबाला। अब देखो और सुनो हंजो को मैं कैसे बुलाता हूँ। तुम शायद मेंढकों को बुला रहे थे। या फिर शायद इस बंदर को। मेरी मानो कृष्णा ही बुला सकता है इन्हें। मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे बुलाने से वो आएंगे। वो अवश्य आएंगे। हो जाए भाई, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। ये हंस उसे सुनकर अवश्य आएंगे। हाँ कृष्णा, एक बार उन्हें बुलाओ तो सही। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओ नहीं, सुबाला बच गई। अपने मित्रों की इच्छा तो मुझे पूरी करनी थी। दिन भर पंछियों के साथ खेलना, क्या तुम लड़कों को कोई और काम नहीं सूझता? तुम्हारा मतलब पेट पूजा? हटो। उसका मतलब था कि पेट भर जाओ और हमारे लिए थोड़े से फल तोड़ो। हमें ढेर सारे फल चाहिए। हम उनसे मीठा स्वादिष्ट फलों का रस निकालेंगे। वाह, फलों का रस! तब तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे फल तोड़ूंगा विशाखा। मैं दिखाता हूँ फल कैसे तोड़े जाते हैं। मैं भी करके देखता हूँ। बहुला, ओ तुम लौट आई। जब बाकी गायें तुम्हारे बिना लौटी थीं तो मैंने सोचा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि तुम ठीक हो और तुम आ गई। हाँ, बहुला तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा था कि उस बाघ ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। मेरी तारा, मुझे जी भर कर देखने दो। आज जी भर कर तुम्हें प्यार कर लेती हूँ मेरी बच्ची। जीवन में ये अवसर आए ना आए। किंतु तुम तो मुझे जीवन भर देख सकती हो ना। हुआ क्या है बहुला? मुझे बाघ ने पकड़ लिया था। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं नहीं मेरी बच्ची। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आज हूँ पर कल नहीं होंगी। मैं समझी नहीं माँ। मैंने उस बाघ को वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं, बस अंतिम बार। तुम्हें अपना दूध पिलाकर कल वापस जाऊंगी ताकि वो मुझे अपना भोजन बना सके। नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी माँ। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मेरी बच्ची। थोड़ा संभल कर उड़ा करो दादी। यदि हम उनके आने से पहले फल नहीं तोड़ पाए तो फिर फलों का रस पीने को नहीं मिलने वाला मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ूंगा। हाँ तुम सच्ची? वो भी बहुत सारे। उससे पहले एक दौड़ हो जाए। क्या दौड़ हो जाए? ये! 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 ये!
मुझे तुम्हारी भाषा में तुम्हें तेज दौड़ने को कहना पड़ेगा। बा, बा, भागो। तुम्हें ये केला खाना है? मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा, पर पहले तुम्हें तेज भागना पड़ेगा, तेज और तेज। हम ये दौड़ अवश्य जीतेंगे, बस तुम दौड़ते जाओ और तुम्हें मिलेगा ये स्वादिष्ट मीठा। बहुत इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। वो नीला बालक, मुझे लगता है वही कंस का काल है। बस अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैं आ रहा हूँ बच्चे। मेरा ये दूध तुम्हें शक्ति देगा और तुम तेजी से बड़ी होगी मेरी बच्ची। मेरा समय हो गया है, मुझे जाना होगा। रुको माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ मुझे जाना होगा तारा, मैंने उस बाघ को वचन दिया है। लेकिन मेरा क्या होगा माँ? मुझे अपना वचन निभाना होगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस अनाथ बच्ची का अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखना। लौट आओ माँ, मत जाओ माँ। बहुला, मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो। मेरी बात मानो, तुम इस वचन को तोड़ दो। तारा अभी बच्ची है और उसे तुम्हारी आवश्यकता है। देखो बहुला, इस बूढ़े ग्वाले की बात मान लो और मत जाओ। तुमने उस बाघ को पेट भरने का वचन दिया था, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। बहुला, ये सुंदर बछड़ा यहाँ सबसे पहले पहुँचा। पर इसके साथ कौन था? यदि कोई इसके साथ नहीं था तो मैं इसे अपना बनाऊंगा। लगता है ये चाहता है मैं इसकी सवारी करूँ। मैं भी कितना मूर्ख हूं कि उस गाय की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा था, अब मैं उसे खा जाऊंगा और उसकी बच्ची को भी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अपना वचन निभाने आ गई हूँ। तो अब अपना वचन निभाने का समय आ गया। ठहरो, तुम मुझे खा लो। गाय तो केवल तुम्हारा भोजन बनी है, पर यदि तुमने मुझे खाया तो मैं कभी तुम्हारा शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इनकी बात मत सुनो। बूढ़े की बात में दम है। इसने कई बार गांव वालों की टोली बनाकर मुझे मारने का प्रयत्न किया। हाँ, यही ठीक रहेगा। माँ, तारा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। नरम मांस। नहीं, नहीं, तुम मुझे खाओ। बुद्धि से काम लो और मुझे खा लो।
इस गाय का शरीर मांस से भरपूर है, किंतु बच्चे का मांस नरम और स्वादिष्ट होगा, और अगर बूढ़े को खा लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। सोच रहा हूं कि तुम तीनों को ही खा लूं। अपने बछड़े को थोड़ी देर रुक कर आराम करने दो कृष्णा, वो थक गया होगा। वो नहीं थका, मैं थक गया हूँ। बहुत हो गया मित्र। मैं मान गया तुम दिखते तो बछड़े हो, किंतु तुम्हें शक्ति एक बैल जितनी है। चलो कृष्णा, भागो। वो एक राक्षस है। मेरी चिंता ना करो सुबाला, तुम दूसरों को बचाओ और यहाँ से भागो जल्दी। शुरुआत करूं? बच्चे के नरम मांस से शुरू करता हूं। मुझे खा लो और अपना पेट भर लो, लेकिन मेरी माँ को यहाँ से जाने दो। नहीं, इसके शरीर पर अभी तक मांस आया ही नहीं है, इसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे खा लो और भगवान के लिए इसे जाने दो। नहीं, तुम मुझे खा लो और इन बेचारियों को यहाँ से जाने दो। एक मनुष्य को खाकर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। करो सुबाला, कृष्णा उसे संभाल सकता है। और इस दुष्ट को सबक सिखा रहे थे। नहीं। इन सब का ध्यान रखो बलराम, मैं जल्दी से एक और काम पूरा करके आता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है कृष्णा। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे वचन दिया था कि बच्ची से मिलने के बाद वो मेरा भोजन बनेगी। तो उसने उसका वचन पूरा किया ना? इसके लिए तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बच्ची को खा लूं? परंतु तारा ने अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ आकर इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं इस बूढ़े ग्वाले को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता था बाघ बड़े ही वीर प्राणी होते हैं, तुम्हें कैसे बूढ़े मनुष्य को खाओगे जिसके शरीर में तुमसे लड़ने के लिए शक्ति तक नहीं बची है। मुझे क्षमा करे कृष्णा, मुझसे भूल हो गई, मैं भूख से अंधा हो गया था। कृष्णा, मैं
किस तरह से आपको धन्यवाद कहूँ मेरी तारा की जान बचाने के लिए। तारा को अपने संस्कार देकर अपनी तरह सुंदर गाय बनाकर। आओ बहुला, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारी वचनबद्धता और त्याग की स्मृति में आज से इस वन का नाम होगा बहुला वन। अरे धीरे धीरे, मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या लाया हूँ।